पीछे मैं मेरे आगे तू रन रन कभी आगे तू कभी पीछे मैं फन फन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्निकल स्टेटस। अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो तो हमारे आज के वीडियो को पूरा देखना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1:1 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें 10 इमेजेस चाहिए। 10 इमेजेस को सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आप उसे ओके कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोस आपको यहाँ पर बताते रहूँगा। साथ ही साथ एक लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर 10 इमेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। 10 इमेजेस सेलेक्ट कर लेने के बाद उसे एडजस्ट करना है पूरे स्क्रीन पर। यहाँ पर ये बीच में थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन करता हूँ क्रॉप इन के ऑप्शन पर जाकर। उसके बाद यहाँ पर राइट मार्क क्लिक करना है। ऐसे ही हमें पूरे इमेजेस क्रॉप कर लेना है। इसके बाद हमें इसे एक्सपोर्ट कर देना है ये वीडियो को एक्सपोर्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स हमें अब एक वीडियो बनाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें 1:1 के ऑप्शन पर फिर एक बार जाना है। उसके बाद अभी जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी वो वीडियो लेना है। वीडियो लेने के बाद फ्रेंड्स हमें एक ब्लैक स्क्रीन का ज़रूरत है कि मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं उस लिरिक्स को यहाँ पर ले लेने के बाद यहाँ पर उसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन को क्लिक कर स्क्रीन क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर लाइट इफेक्ट डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड्स हमें लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद हमें एक लाइट इफेक्ट लेना है। ये लाइट इफेक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना। इसे फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन कर देना, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना, स्क्रीन पे क्लिक कर देना। उसके बाद राइट क्लिक कर देना, आपका जो ये वीडियो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके वीडियो को एक बार आप एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा।